हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों ने कभी ऐसा किया एक ही दिन में दो दो बर्थडे अटेंड किए हों? क्योंकि आज हम लोगों ने इसी तरीके से दो दो बर्थडे अटेंड किए। सबसे पहले आए हम लोग अद्विक के बर्थडे में, और आहन्ना इतना खुश हो रखा था आज अद्विक के बर्थडे के लिए, क्योंकि अद्विक उसका फ्रेंड है तो इसलिए भाई उसे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें खाई। खाने के बाद हम लोग गए सेकंड बर्थडे में, लेकिन नक्शु की तो मस्ती बिल्कुल खत्म नहीं हो रही थी और नक्शु का मन भी नहीं कर रहा था जाने का, क्योंकि भाई अद्विक तो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। लेकिन हम लोग को सेकंड बर्थडे में भी जाना था, और जो सेकंड बर्थडे था वो मेरी कोची वाली फ्रेंड की बेटी का बर्थडे था, जो कि मुझे 4 या 5 साल बाद मिली थी। और वो फ्रेंड मेरी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, तो उनके यहाँ मतलब जिसका भी बर्थडे होता है पहले उस तरीके से उसको टीका लगाया जाता है, फिर आरती उतारी जाती है, फिर उसे कुछ मीठा खिलाया जाता है। गाइस सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक तो हम लोग इतने टाइम बाद मिले थे ना, और नक्शु भी बहुत ही खुश हो रहा था, उसे भी यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। खिला दो और आहन्ना मुझे बार बार पूछ रहा था कि मम्मा इसका नाम क्या है, कि आप नाम तो बताओ इसको, क्योंकि वो इसे फर्स्ट टाइम मिल रहा था तो उसे इसका नाम भी पता नहीं था। इसका नाम था निहारा। आप डेकोरेशन देख सकते हैं, डेकोरेशन इतनी अच्छी थी, और वो भी ना परेशान हो रही थी बच्चों से, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और ये बड़े बड़े बच्चे थे, तो बार बार उसे छेड़ रहे थे, कभी उसे परेशान कर रहे थे। और नक्शु ने तो यहाँ पर सारे गुब्बारे फोड़ दिए, बाप रे बाप, मतलब लगा हुआ था मस्ती माने में। फिर हम लोगों ने भी निहारा को केक खिलाया, और उसके बाद हम लोगों ने सभी ने फोटोज वगैरह खींची निहारा के साथ। फिर सभी को हमने केक सर्व किया, स्नैक्स सर्व किया, और उसके बाद हम तीनों ने भी अपने लिए प्लेट लगाई। सच में गाइस बहुत मजा आया यहाँ पर। एक तो हम ना इतने टाइम बाद मिल रहे थे, और हम लोग ना कोची को बहुत ही ज्यादा याद कर रहे थे कि हम लोग कभी दोबारा जाएंगे वहां पर, क्योंकि सच में वहां पर हमारी इतनी अच्छी अच्छी मेमोरी बनी हुई है, मतलब उस मेमोरी को हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट देना। मैं मिलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय।